हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन यानी कि अगर आपका समय पैदा होने का समय अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को सही नहीं लगता और क्यों नहीं लगता, मैं उसके बारे में थोड़ा से विचार करने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ में। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी करते वक्त अगर आप भी एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसी एक्सपीरियंस को मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूं। जब भी मेरे सामने कोई बर्थ चार्ट आता है या कोई मुझे अपना समय देता है और जब मैं उसकी कुंडली बनाता हूं और जब मैं देखूं कि अगर उसने, पहली बात तो है मैं उनसे पूछता हूं नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, बाकी सब तो सही है। जब वो टाइम ऑफ बर्थ मुझे बोलता है 5:30 या 6 या 5:30 या 5:15 या 4:45, दैट मींस इफ इट गिव्स मी अ टाइम विच इज जस्ट ब्रिंग्स अ लिटिल लाइक यू नो डाउट इन माई दिस थिंग कि ये शार्प कैसे हो सकता है 5:15, 5:30, 5:45, 5 o'clock, 9 o'clock, 9:30, दिस क्रिएट्स अ डाउट इन मी। और इसीलिए मेरी सबसे पहली आदत है मैं चेक करता हूं कि उसके लग्न की डिग्री क्या है। अगर लग्न की डिग्री 29 है, विच मींस एक डिग्री इज 4 मिनट्स, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं उसे बोलूं कि क्या आपका बर्थ टाइम सही है, यू प्लीज चेक विद योर पेरेंट्स, या आर यू गिविंग मी द बर्थ टाइम विच इज रिटन ऑन योर बर्थ सर्टिफिकेट। तो मैं आपको इतना भी बता दूं कि हॉस्पिटल में बर्थ टाइम लिखने का जो तरीका होता है वो दे राइट इन क्वार्टर्स, यानी कि वो 15-15 मिनट की अवधि पे ही हमेशा बर्थ टाइम नोट करते हैं। तो वो 12 बजे करेंगे, 12:15 करेंगे, 12:30 करेंगे, 1:45 करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 1:15 बजे करेंगे, फिर 1:30 बजे करेंगे, इसी तरह से वो लोग टाइम को डालने की कोशिश करते हैं। और अगर आपकी डिग्री 29 point something है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका बर्थ लग्न चेंज हो जाएगा, आपका लग्न ही चेंज हो जाएगा। बिकॉज कुछ लोगों को शायद यह भी पता नहीं है कि हम जो बर्थ टाइम बोलते हैं उसे हमें किस तरह से देखना है। देयर आर अलग अलग स्कूल्स हैं इसके, अलग अलग थॉट्स हैं इसके, लेकिन जिस थॉट को मैं मानता हूं, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक डिलीवरी हो रही है तो उसको हम बोलते हैं क्राउनिंग, जब बच्चा बाहर आ रहा है, क्या हम उसे बर्थ टाइम माने, या फिर जब अम्बिलिकल कॉर्ड जिससे वो मां से जुड़ा हुआ है बच्चा, उसको जब काटा जाता है उसे हम बर्थ टाइम मांगे माने, या बच्चा जब अम्बिलिकल कॉर्ड से कटने के बाद पहली द फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी, जब वो पहली बार अपनी द आवाज रोना शुरू होता है, क्या उसे हम बर्थ टाइम माने, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी तब प्राप्त करता है जब वो मां से उसके कॉर्ड्स कट जाते हैं, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड कट जाता है। जैसे ही वो कट जाता है, मैं समझता हूं बच्चा मां से अलग हो चुका है। लेकिन मैं क्राउनिंग को तो कतई नहीं बोल सकता कि वो एक बर्थ टाइम होना चाहिए। मैं अम्बिलिकल कॉर्ड पे मान सकता हूं, मैं फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी को मान सकता हूं। अब ऐसे में क्या होता है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन द डिलीवरी इज गोइंग ऑन, द डॉक्टर और व्हाटएवर, वो इतने प्रोसीजर में बिजी होते हैं कि वो जो प्रोसीजर पूरा खत्म हो जाता है और फिर वो घड़ी देखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें 1.5-2 मिनट, 3 मिनट स्वाभाविक है कि ये टाइम गड़बड़ हो सकता है। ऐसे में अगर कोई लग्न चार्ट ऐसा बन जाए जो 29 डिग्रीज पे है, ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं ऑन द बोर्ड। ये आपका एक ब्लैंक चार्ट है। अब यहां पर अगर आपकी डिग्री 29 दिखा रहे हैं, 29 + 34 मिनट्स, ओके, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, 2.5-3 मिनट के अंदर ये लग्न चेंज हो सकता है। बिकॉज अगर ये डिग्री है तो मैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा कि क्या, लेकिन
संभावना बहुत कम है कि इनका लग्न चार्ट चेंज होता है, बिकॉज ये 29 डिग्रीज पे है, तो ये 30 डिग्रीज मतलब आगे जाने की बात करता हूं, दिक्कत होती है हमेशा पीछे में, विच मीन्स कि अगर मेरा डाउट 10 टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा अगर ये डिग्री 1.34 हो, यानी कि अगर मैं 3 मिनट पीछे कर लूं तो ये राशि जो मान लो कि ये राशि 7 है, तुला लग्न की कुंडली है और ये कन्या राशि है और 1 डिग्री दिया हुआ है, और अगर ये बच्चा 2.5-3 मिनट पहले पैदा हुआ तो ये यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा, मतलब ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अब कैसे पता लगाया जा सकता है कि वाकई में ये बच्चा 3 मिनट पहले, 2.5 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, 5 मिनट पहले पैदा हुआ? आपको कुछ प्रश्न करने होंगे। अधिकांश जो लोग जो मेरा वीडियो देख भी रहे हैं और अगर आप लोगों ने मेरे साथ कंसल्टेशन किया है, मैं सबसे पहले आपको बोलता हूं, मैं 5 चीजें आपसे पूछूंगा, मुझे उसका जवाब दीजिए। मैं वो 5 चीजें ऐसी पूछूंगा जो आपके जीवन के बहुत बड़े इवेंट से जुड़ी हुई है, जैसे कि आपकी शादी, कास्ट में हुई कि बिना कास्ट के बाहर हुई, आपकी हैंडराइटिंग मैं पूछूंगा, आपके अगर 5th हाउस को मैं स्टडी कर करके कोई अगर मैरिड कपल है तो बोलता हूं कि क्या आपका एक एबॉर्शन या एक मिसकैरेज हुआ है। मैं पूछता हूं कभी कभी कि क्या आपके चेहरे पे कहीं पे कोई स्कार है, दाग है, स्टिचेस के मार्क है, क्यों? अगर केतु में देख रहा हूं कि उस कुंडली के हिसाब से अगर लग्न में केतु है तो मैंने ज्यादातर देखा है कि फेस पे कोई ना कोई मार्क्स जरूर होता है, तो अगर वो मार्क नहीं है तो वो एक मेरे मुझे एक उसका आंसर मिल जाता है, मैं उस केतु को वहां से शिफ्ट करने की कोशिश कर सकता हूं। मैं राइटिंग के बारे में इसलिए पूछ रहा हूं कि मैंने देखा है कि जब भी आपके तीसरे घर का मालिक यानी कि 3rd हाउस का मालिक अगर कोई वहां पे कोई प्लैनेट इविल बैठा है, जैसे कि केतु है, शनि है, तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, लेजिबल नहीं होती है। मेरी ही राइटिंग बहुत खराब है, अभी तो सुधर गई है, वरना मैं तो अपनी खुद की लिख करके खुद ही नहीं पढ़ पाता था, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो देर आर मेनी क्वेश्चंस। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर के बोले कि मुझे अपना बर्थ टाइम पता ही नहीं है, वो रेक्टिफिकेशन इज अ डिफिकल्ट टास्क। फिर वो रेक्टिफिकेशन मैं ज्यादातर नहीं करता, बट आई हैव गॉट पीपल जिनको मैं रेफर करता हूं कि आप उनसे अपना रेक्टिफिकेशन करा करके आओ, फाइन। लाइक हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी कुछ ब्रांचेस है, सम पीपल आर एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड। जैसे कि एक डॉक्टर है, वो खुद एक्सरे नहीं कर सकता, वो खुद सोनोग्राफी नहीं कर सकता, वो खुद ये नहीं कर सकता, तो वो आपको एक टेक्नीशियन के पास भेजेगा कि उससे रिपोर्ट लेकर आओ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपके अंदर क्या है, फाइन। सिमिलरली अगर आपका इस तरह का चार्ट है जिसमें 2-3-4 मिनट से फर्क पड़ रहा है, देन आई कैन रेक्टिफाई इट। बट अगर आपको बर्थ टाइम ही नहीं पता है, यानी कि सुबह शाम दोपहर पता ही नहीं है, और किसी ने बोल दिया आपको कि उस दिन जन्माष्टमी थी, उस दिन कोई लोग बोलते हैं उस दिन बादल मतलब पता नहीं कुछ कुछ बातें उन लोग बोलते हैं कि संध्या का वक्त था, मुझे अच्छे से याद है आपके पापा घर आ रहे थे और ये, अरे उससे कैसे पता पड़ेगा? दैट इज अ वेरी वेक थिंग टू मेक अ चार्ट लाइक दिस। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर रेक्टिफिकेशन है और अगर बर्थ टाइम में अगर 2-4 मिनट का फर्क है, देन वी कैन आस्क यू सम इवेंट्स, शादी का डेट, कब शादी हुई, कब बच्चा पैदा हुआ, कब एक प्रमोशन हुआ, कब आपका एक्सीडेंट हुआ था, ये सब चीजों को, इवेंट्स को हम रिवर्स जा करके बर्थ टाइम का रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपका बर्थ टाइम में 2-4-5 मिनट का फर्क है तभी, अदरवाइज मैं तो नहीं करता। सो एनीवे, सो दिस वाज ऑल अबाउट बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जो मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा और मैं उसे जवाब देने जा रहा हूं थ्रू दिस वीडियो। सो हमेशा की तरह एंडिंग माय वीडियो, साइनिंग ऑफ विद अ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग न्यू ईयर। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल।
स्टे हैप्पी।